작은 말 프라자파티! 동네 어머니! लावण्या का खुलासा। ये हमारे मासूम बाबा का कातिल है। सामने आया कातिल। मुझे हिम्मत करनी चाहिए, सब कुछ बता देना चाहिए। वो तो ये आ गई, नहीं तो शायद वो तुझे कभी उनको दिखाने लायक नहीं रहता। रंग लाई दीपिका चिराग की कोशिशें। रिश्तों में होगा सुधार। स्टार प्लस की सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ में आज सिद्धार्थ की बुक लॉन्च हो रही है, लेकिन इस बुक लॉन्च के मौके पर दीपिका चिराग ने मिलकर एक प्लान रचा है असली कातिल को लावण्या के सामने लाने का। ऐसे में देखिए कैसे बुक लॉन्च के मौके पर सिद्धार्थ ने न सिर्फ सभी के सामने अपनी कविता सुनाई, बल्कि दीपिका ने कठपुतलियों के जरिए लावण्या की आप बीती भी सुनाई, जिसे देखकर लावण्या को अपने बीते दिन याद आ गए, वो डरने लगी। इसी बीच कातिल भी वहां से भाग निकलने की फिराक में था, लेकिन लावण्या की नजर पड़ गई और उसने सभी के सामने उसे पहचान लिया। हालांकि लावण्या इतनी डरी हुई है कि सच बताने से इनकार कर रही है, लेकिन उसे परिवार का साथ मिल गया और देखिए कैसे उसने कातिल का खुलासा सभी के सामने कर दिया। प्रजापति, तुमने हमारे माता और बाबा को मारा। ये हमारे माता और बाबा का कातिल है। ये शायद किसी सदमे में पगला है, किसी पुराने सदमे में ये अपना ये खो चुकी है। तो प्लीज आप ध्यान रखें, ये आप सबसे मेरी निवेदन है। तुम प्रजापति हमारे माता और बाबा सा के कातिल हो। महिला को सम्मान कर रहे हैं नहीं तो। अरे कहाँ भाग रहा है प्रजापति? आज तो तुझे तेरी कर्मों की सजा दिलवा के रहे। ये तो अंदर जाएगा ही, तुम दोनों भी अंदर जाओगे। माँ के पेरेंट्स के कातिल थे, तो जो उनका ट्रॉमा है बेसिकली ये रंग से वो इन्हीं से आता है। एंड फाइनली इसका रिवील हो रहा है एंड शी उन्हें अपना जस्टिस मिल रहा है न हुए। तो इट इज़ अ फैंटास्टिक ड्रामा। आई थिंक मुझे अब तक का सबसे बेस्ट सीन लगा ये, वेल रिटन सीन। आई एम प्रिटी श्योर ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाला है। मुझे जितने भी मैंने शूट जो भी शूट किया आज तक का सबसे बेस्ट सीन लगा मुझे। भाई प्रजापति ने वहाँ से जाने की कोशिश तो की, लेकिन दीपिका दीवार बनकर खड़ी हो गई। ऐसे में उसने दीपिका को भी धक्का मारना चाहा, लेकिन दीपिका के साथ उसका पूरा परिवार है जिसने प्रजापति को जाने से रोक लिया। और तो और प्रजापति की अकड़ को मिटाने के लिए वो सभी के सामने सबूत भी ले आए। मुझे हिम्मत करनी चाहिए थी, सब कुछ बता देना चाहिए। वो तो ये आ गई, नहीं तो शायद मैं तुझे कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। लेकिन मैं चीख चीख कर कचहरी में कहूंगा कि शिबू बाबा और पन्नी जी का हत्यारा ये है। अब नहीं मैं डरूंगा इससे, ये है वो खुदी। एक बार पहली बार हमने माँ को इस तरह से देखा है, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बताया गया है एज अ कैरेक्टर इतने टाइम में। फर्स्ट टाइम हमने उनको इतना वल्नरेबल देखा है, इतना रोते हुए, इतना बिखरते हुए देखा है। तो आई एम श्योर घर पे हमारा माहौल भी थोड़ा सॉफ्टर रहेगा, माँ का ट्रॉमा थोड़ा कम रहेगा टूवर्ड्स जो भी उनका इक्वेशन था दीपिका से। सो आई एम श्योर बहुत सारी चेंजेस आने वाले हैं। फिर अभी फिर से जाह्नवी की जंग शुरू हो जाएगी कि नहीं नहीं मैं हूँ आपकी फेवरेट, तो लेट्स सी जाह्नवी भी क्या करती है इसके आगे। सो इट्स अ गुड थिंग। बंसी काका ने ना सिर्फ प्रजापति का खुलासा किया बल्कि लावण्या को ये भी बताया कि ये सब मुमकिन हुआ है दीपिका की वजह से, यानी अब सास बहू के बीच के रिश्ते सुधरते हुए नजर आएंगे। वैसे रिश्तों की बात करें तो दीपिका और चिराग के बीच शक पैदा होने लगा है और ये कारनामा कोई नहीं बल्कि मिश्का कर रही है सिद्धार्थ को बीच में लाकर। असल में सिद्धार्थ दीपिका की मदद करना चाहता है क्योंकि दीपिका उसे अपना बड़ा भाई मानती है, लेकिन इस बात से अनजान चिराग जब भी दीपिका और सिद्धार्थ को देखता है उसे जलन होने लगती है।
अभी तक तो दीपिका को पता ही नहीं है कि डॉक्टर साहब चिढ़ते भी हैं सिद्धार्थ जी से या जो भी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि चलो ठीक है कि हो सकता है एक लड़का दूसरे लड़के से इनसिक्योर हो जाता है। वो रियल लाइफ में भी ऐसी ही है, आपके कितने भी खास भाई क्यों ना हो, अगर बॉयफ्रेंड है तो चिढ़ेगा ही चिढ़ेगा, अनटिल अनलेस वो सगा भाई है। तो ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं, लड़कों की सोच है। भाई मिश्का ने ऐसा पासा फेंका है कि चिराग गलतफहमी का शिकार हो गया है। हालांकि उसे अपनी दीपिका की बहुत परवाह है। अब देखना होगा कि कहानी में आने वाले ट्विस्ट क्या दीपिका और चिराग के रिश्ते में दरार लाएंगे। मुंबई से प्रीति रानी और कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इन सब्जियों की तरह हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की फ्रेशनेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।